सौ रुपए बचा लो या इज्जत बचा लो, दोनों में से कुछ बचा लो। चले आप 1500 दावत में भी आपकी तारीफ हो जाएगी या 100 रुपए कम कर लो। ये असल में डालडा की है और ये थोड़ा देसी की, ये थोड़ा फर्क है इन दोनों। ठीक है एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो काफी टाइम के बाद आज मैं दोबारा लियाकताबाद आई हूँ और यहाँ आने का मकसद जो सुपरमार्केट है गोश्त की उसको कवर करना है, अभी के रेट पूछना है। लेकिन आपको एक बात बताती चलूँ, सबको ही पता होगा जो यहाँ रहते हैं, मार्केट बंद की गई थी और उस टाइम हमें रीज़न पता नहीं था, लेकिन यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे बारिश का पानी बहुत ज़्यादा तहखानों में भी भर गया था, यहाँ पे भी भर गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीवरेज का प्रॉब्लम है पूरी मार्केट में। इसके अलावा यहाँ पे बिजली का भी बहुत प्रॉब्लम है। आपको पता है यहाँ से गोश्त जाता है हमारे घरों में और खाना बनता है, तो पूरा कराची उधेड़ के रखा हुआ है और रोड्स बंद है, सब कुछ बंद है। तो यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान देते, यहाँ आए और यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर भी काम की जरूरत है। तो चले अंदर चलते हैं और अब इसके रेट पूछते हैं, आज के क्या रेट चल रहे हैं। अभी आज है 24 अगस्त 2023, तो आज के रेट हम इनसे पूछेंगे। जी मार्केट के अंदर आ गई हूँ और एज यूजुअली यहाँ पे लाइट नहीं है, तो अगर लाइट का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माजरत। सबसे पहले हम उमान भाई के पास आए हैं, यहाँ आए और इनके पास ना आए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप भी? काफी टाइम के बाद खुली है मार्केट, तो सबसे पहले तो रीजन बताएं मुझे। मैंने सुना है कुछ पानी वानी भर गया था, ये वजह भी थी मार्केट की, जो सैलाब वगैरह आ रहा था इस सिलसिले से मार्केट को बंद किया गया था। रीजन ये है कि लोग कुर्बानी के बाद जो है ना तकरीबन 2-1 महीने तक घरों से गोश्त नहीं निकालते अपने, उनके घरों में गोश्त होता है वो फिर यहाँ कहाँ खरीदने आएंगे। ये काम जो हमारा थोड़ा बहुत चल रहा होता है ये होटल लाइन की वजह से चलता है, कबाबियों की वजह से चलता है। अब जैसे मैं बकरे का गोश्त बेचता था, बकरे की इतनी रीसेल नहीं हो रही, तो मैंने गाय का गोश्त भी लगाया। अच्छा, आपने बीफ भी रख लिया? बीफ भी रख लिया है, लोगों के लिए फायदा हो जाएगा। अभी होटल वाले लाइन वाले आए थे ले जाते हैं, सही सही मटन वही रेट रखे हुए हमने, जो पहले रेट थे हमारे, हमने रेट बढ़ाए नहीं है। क्या रेट है आप दोबारा से बता दें? रेट वही 1200 रुपए, 1800 जैसे कस्टमर आते थे उनको वही रियायत मिलेगी। सही है, तो अभी भी मिलेगा यहाँ पे? बिल्कुल मिलेगा, मेरे व्यूअर्स को तो मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा गोश्त मिलेगा, अच्छा ही गोश्त। और बीफ के क्या रेट है? बीफ जो है हड्डी वाला 550 रुपए और बगैर हड्डी का 700 रुपए। 700 रुपए, जो की पूरी कराची में 1800 बिक रहा है। 1000 और 800, वही मैं देख रही हूँ। आप यहाँ आएंगे डेफिनेटली बाहर के मुकाबले में आपको रेट कम मिलेंगे। और मुझे ये बताइए गोश्त अपनी मर्जी का मिलेगा या फिर? कस्टमर अपनी मर्जी से ही गोश्त लेता है, दुकानदार की मर्जी से कम लेता है, कस्टमर बहुत अपना हो गया। सही सही। और मटन के आप क्या बता रहे हैं? 800 रुपए मेरे व्यूअर्स के लिए है। जैसे सीने वगैरह जो लेके जाते थे वही पुराना रेट उसका 800 ही होगा। रान दस्ती जैसे 1200-1400 जैसा गोश्त होता है, अगर वो अपनी पसंद से और अच्छा, जिस तरह वो चिकन में गोल्डन पीस होते हैं, तो जैसे इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। सही है, बाहर शहर में बिक रहा है 1800-2000 रुपए किलो बकरे का गोश्त, हम पटका बकरी का गोश्त बेचते हैं, इतने सस्ता बेचते हैं, इसलिए हमने शुरू से। चलिए लोगों के लिए कुछ ना कुछ सहूलत तो है ना, कि आप मटन भी खाएंगे तो 800 रुपए आपको यहाँ मिल जाएगा। मेरी वीडियो लेकर आएंगे तो आप देख लें, उमान भाई के पास सीधे आइएगा, सीने का टुकड़ा वगैरह हुआ चाप हुआ आपको दे दे करेंगे, ये दे देंगे दे देंगे, जबरदस्त हो गया। अच्छा आपने मटन के रेट कम किए 800 रुपए हमारे व्यूअर्स के लिए, बीफ में क्या कमी कर रहे हैं आप? बीफ देखें पूरी मार्केट में हमने होलसेल से भी सस्ता लगाया हुआ है, मार्केट में बेचने वाला था, लेकिन बगैर पानी का गोश्त होता है गुरु मंदर का, यानी भैंस कलोनी का, हमारा मोर वाला जैसे हमने आपको पहले बताया, मोर वाला माल होता होती है, एक नंबर गोश होता है हमारा। इस सिलसिले से जो है ना ये आपको पड़ेगा 550 होता है, ये कि आपके फ्रेंड्स आएंगे और 10-20-50 कोई ऐसी बात नहीं कम करेंगे, रियायत देंगे, 500 कर दे राउंड फिगर, उसमें थोड़ी हड्डी ज्यादा देंगे, बात सच होना चाहिए, वही अभी हम दुकानदार हैं, हम अपना हमारा निकाल लेंगे, कस्टमर है तो 500 रुपए मिल जाएगा, लेकिन आपने फिर उसमें बोलना नहीं है, देंगे अच्छा गोश्त, अच्छा गोश्त देंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, बीफ 500 रुपए मिल जाएगा। बीफ और मटन के रेट मैंने आपको बताया, अभी मैं पाए की तरफ आई हूँ और पाए के लिए सबसे पहले आपको वकास से मिलना पड़ेगा, गेट के साथ ही बैठते हैं। आप बताओ क्या रेट चल रहे हैं? पाया 300 रुपए का, बड़ा वाला 350 का, उससे बड़ा 500 रुपए, 500 रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलेगा? डिस्काउंट के साथ ही वरना 600 रुपए का, ये 450 का है। दूर से आने वालों के लिए वाकई ये कस्टमर भी खड़ी हुई है, ये दूर से आने वालों के लिए, दूर से आने वाले, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए कम, उन्होंने भी कम किया, आपको भी करना पड़ेगा। ये 350 का हो जाएगा, 400 का, 350 का हो जाएगा, 600 का, 500। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी वालेकुम सलाम। क्या लेने आई हैं आप यहाँ पे? बकरे के पाए, भैंस के पाए और बट। अच्छा अच्छा सही है, आप ले, आप इनको कम करें, कम करो है। सही, कितना दिया इन्हें? 800 रुपए दर्जन है, आपको 500 रुपए दर्जन ले आएंगे। 500 रुपए दर्जन, 800 तो है ही सब जगह, 800 रुपए चलने। नहीं नहीं बड़े वाले पाए, इससे पहले भी पूछी गई, बड़े वाले पाए, छोटे वाले नहीं।
ये बड़े पाए, इससे छोटे आते हैं वो 400 भी मिल जाएंगे आप। नहीं फिर भी ये अगर कह रही है इससे कम नहीं होगा, इसकी खरीद है 450 की खरीद है, 50 रुपए कम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, 500 से कम नहीं होगा, 500 रुपए दर्जन, 500 रुपए दर्जन, 500 के बाद सही। आप कहाँ से आई है? जौहर से। जौहर से आई है, वहाँ पे क्या रेट चल रही है बकरे के पाए? कैसे बता, 500 के 4 थे। अच्छा ये आपने 500 रुपए दर्जन, 500 रुपए दर्जन, ठीक है ना, 800 रुपए कह रहे हैं तो 500 रुपए दर्जन है, दुकानें हैं ना उनसे कम है रेट, उससे कम है रेट डेफिनेटली। वहाँ तो आपको पता है कि लूट रहे हैं, मैंने सब्जी मंडी की भी वीडियो बनाई थी, मेरा एक वर्ड पकड़ लिया लोगों ने, हरामखोरी कर रहे हैं वहाँ पे, सस्ता लेके जाते हैं और वहाँ पे बाकी हराम पूरी हो रही है कि 100-100 रुपए वहाँ पे मुनाफा रख के सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से भी यही हाल है, यहीं से लेके जाते हैं सब लोग, यहीं से लेके जाते हैं। सही सही। अच्छा 400 रुपए के वहाँ कितना मिल रहे हैं? 400 रुपए, 500 के 4 पाए मिल रहे हैं सिर्फ वहाँ पे बकरे के, और यहाँ पे दर्जन 500 रुपए के एक दर्जन यहाँ से। लेने लिए लाइट आ गई है लेकिन फैन देखे ये फिर भी नहीं चला, पता नहीं किस जमाने का लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे मैं खड़ी हुई थी, यहाँ पे पाए साफ किए जा रहे हैं भाई? देंगे फ्रेश पाए बिल्कुल ताजे, अभी के आपको हम बना के देंगे। सही। ये 300 का है, ये 350। ये किस तरह साफ करते हैं आप? ये हम इसको जो है पहले बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद फिर ऐसे बारीक बारीक छीलते हैं। ठीक है, इसकी सारी स्किन उतार के अभी फ्रेश करके नाखून निकाल के बॉडी बना के फिर देते हैं। ठीक है, तो ये भैंस के मेरे ख्याल ये छोटी भैंस के, ये छोटी भैंस के, और ये गाय के, गाय के प्राइस बताएं इनके? ये 300 रुपए का है बना हुआ फ्रेश, ये 350 का है वो फ्रेश बना हुआ, 300 रुपए का ये साड़े, वो बासी है, ये अभी के ताजे, ये ताजे 350, और ये 400 रुपए का, ये 400 रुपए। जब कस्टमर आता तो ख्याल हो जाता है 150-150 कर देते हैं आप, कितना कम करेंगे आप अगर बिगड़ जाएंगे? कस्टमर आ गया उसने बोला ये कितने का हो जाएगा, तो हमने 250 का भी देना है, देना है 250 का, 250 रुपए में भी देना। हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल कितना करेंगे आप अगर आप कोई आ गया वीडियो लेकर? वीडियो लेके आ रहा तो यही है कि 400 वाली चीज 200-250 जो आपकी वीडियो देख के आएंगे। सही है सही है। अच्छा आपने नाम भी बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद वकास कुरैशी है, दुकान का एड्रेस है जोनी बाबा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है आप देखें वीडियो, जोनी जोनी बाबा अल्लाह देख, अल्लाह देख रहा है, बस ये अपना कौन देखे शॉप का नाम है, तो ये बहुत अच्छा नाम है। सही है सही है। यहाँ पे 20 साल हो गए काम करते हुए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे, अगर आप आने से पहले लोग आपसे कॉन्टेक्ट करके पूछे नंबर दे दें आप, 0301-6132-949। सही, आप इसमें इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बकायदा ये गर्म पानी से साफ करके कटिंग करके देंगे, आप जाके बस हल्का सा धोया बना लें। मोहब्बत में आप आई है तो आपकी इसमें रिस्पांस सब कस्टमरों का ख्याल ही होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा बट की तरफ आए हम लोग और यहाँ पे देखे कितनी साफ सुथरी, अगर क्लोज करके आप दिखाएं बहुत साफ सुथरी यहाँ पे नजर आ रही है। भाई से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, करम है अल्लाह का, आप सुनाएं। अच्छा रेट बताएं मुझे बट के, जो साफ सुथरी ऊपर रखी हुई है ये वाली बट, साफ वाली बट है 350 रुपए किलो, अच्छी बट है साफ बट, ये 350 रुपए जी। तो ये अलग अलग क्यों रखी है, वो क्यों अलग है? ये बिना साफ हुई है थोड़ी। अच्छा ये साफ नहीं है तो उसका क्या रेट है? ये 300 रुपए किलो। ये 300 और ये 350, कुछ कमी होगी या फाइनल रेट है? फाइनल रेट नहीं है, 300 रुपए लगा देंगे अगर कोई आपके चैनल पर हमारी वीडियो लेकर कोई आएगा तो कितना करेंगे? 300 कर देंगे ये साफ। चले अच्छी बट होती है, साफ बट होती है, इसमें जरा सा भी कचरा नहीं होता। अच्छा ये साफ सुथरी बट है 350 है, लेकिन अगर आप वीडियो लेकर आएंगे तो ये आपको 300 रुपए में मिल जाएगी। अपना नाम बता दें। मेरा नाम है नमीर कुरैशी। नमीर कुरैशी, अपना नंबर भी बता दें आप। मेरा नंबर है 0312-866-5019। सही है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं आने से पहले इनके पास। अच्छा सुपर मार्केट आए गोश्त की और आवाज से ना मिले, इसके पास हमेशा पाए इतने जबरदस्त होते हैं, बड़े बड़े पाए, अगर आपको चाहिए आपको इसके पास आना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है, रेट हमें बताओ क्या चल रहे हैं अभी के रेट? ये है कि अभी 600 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का पाए चल रहे। दिखाओ पाए, पाए तो देखे आप, सही सेहतमंद पाए चल रहे बिल्कुल, अभी फुल साइज वाले, फुल साइज वाले, साइज इससे बड़े नहीं थे, इससे भी बड़े, इससे बड़े तो आते ही आएंगे फिर वो जबरदस्त। इनका क्या रेट है? इनके भी 1000 रुपए रेट है, 1000 आपके रेफरेंस से कोई आएगा 800 रुपए का देंगे, 800 रुपए कर देंगे, और 800 रुपए वाला पाया फुल साइज का है, अगर आप वो छोटे वाले दो लेंगे तो ये एक आपको मिलेगा, और ये 800 वाला आपको 700 रुपए में देंगे, 700 रुपए में। ये भी भैंस का है, वो भी भैंस का, साइज में फर्क है। ये
ये असल में डालडा की है और ये थोड़ा देसी की है, ये थोड़ा फर्क है इन दोनों में। ठीक है, उसमें 200 रुपए कम किए तुमने उसके अंदर। ये 200 रुपए मैंने यूँ कम करे कि YouTube वालों के लिए डिस्काउंट के साथ। ठीक है, मैं वैसे खाद के लिए इसमें भी 200 कम करो ना, इसमें भी चले। इसमें अगर कोई ज्यादा क्वांटिटी में लेगा तो 200 रुपए कम कर दोगे, ठीक हो गया। अच्छा, पहले तुम जरा हड्डियों के साथ तो पैकेज वैकेज भी बना रहे थे। जी जी जी, बनाओ दोबारा से, दोबारा पैकेज बनाओ। लगोटे वाले वो दिखाओ, देओ यार। ये नरोटे वाली हड्डी हो गई है, ये 350 रुपए किलो आई साहब। हमें 5 किलो चाहिए। मिल जाएगी आपको 5 किलो लगाओगे? सॉरी, ये फाइनल आपको 300 रुपए किलो लगाएंगे। और ये पाए के साथ होती थी, ये नरोटे के लाते ही सब में लगा हुआ। ₹300 इससे कम नहीं होंगे। 300 रुपए फाइनल, 300 रुपए किलो। 250 लगा, नहीं नहीं 5 किलो दे। नहीं नहीं, अबे यार तू ऐसी बातें कर रहा है यार, क्या करेंगे? लेने आए यार, ये कस्टमर है मेरी, पूरे सालों साल आती है, इनसे पूछो आप। मैं कस्टमर नहीं हूँ, आप बेफिक्र रहो, चीज अच्छी है ये। ऐसी बातें कर मैडम। अच्छा, आप वो जो पैकेज बनाते हैं कर दे, चले हमारे हमारे सामने खड़े इनके डील बनाए आप 250 रुपए। भाई 250 रुपए दो यार, जान छोड़ो यार, जल्दी करो, काम करो। मार्केट में 300 रुपए होटल पे जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरे को दो, मेरे को अब आगे कस्टमर खड़ा हुआ है। आप 1500 यार, मैं इनके घर में दावत है भाई, मेरे मेरे कहने पे चला जाना, दावत में भी आपकी तारीफ हो जाएगी। 100 रुपए कम कर लो, आप बोले कितने? नहीं नहीं, आप बोलेंगे मैं दे दूंगा। आप 100 रुपए बचा लो या इज्जत बचा लो, दोनों में से एक बचा लो। की दी है अच्छी अच्छी, इज्जत देने वाला रब है। नहीं आपको चीज नहीं, नहीं फायदा फिर भी होगा। चलो आज सुन लो, 1400 रुपए दे दीजिएगा, 5 किलो के 1500 हो गए। चलो 250 रुपए दे दो, वैसे तो आप लोग करते हैं। अच्छा, ये था कितने का? ये पहले मेरे को 300 रुपए किलो है, इन्होंने 5 किलो मांगे, 1500 रुपए किलो। 1400 रुपए ये भी आपके नियम, 300 रुपए कम नहीं करता। अभी कितने की फाइनल? 1400 फाइनल, 5 किलो भी दूंगा। सब नरोट है आपको, पक्का? पक्की, प्रॉमिस? प्रॉमिस, सामने लिखवालो। तो ये बोल देता जब मैडम के कहने पे ले लिया मैंने यार, इसके बाप के वजह से मैंने लिया। ठीक है, चले मेरे नवासा पैर पैर चला, मामू कर रहा है ये मामू। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदगी दे उसको नवासों के लिए। अच्छा, ये पैकेज बनाने लगे। चलो अभी असल में ये है कि एक पैकेज आपके साथ ये बना देना है, मैं सबसे बड़ा है। जैसे फुल साइज वाला पाया 1 किलो नरोटे, आपको 1200 रुपए का पैकेज लगाएंगे। 1200 में लग जाएगा, 1200 का पैकेज, फुल साइज पाया 1 किलो। ठीक है, थोड़ा नॉर्मल पाया लेंगे उसके साथ 1000 रुपए का। 0312020 50 44, ये मेरा व्हाट्सएप पे भी है नंबर। सही, अगर कोई ऑर्डर वगैरह ज्यादा देना चाहे तो तुम पहुंचा दोगे? ऑर्डर कम पहुंचा देंगे भी। सही है, अगर आप वैसे ऑर्डर करेंगे तो ये आपके घर भी पहुंचा देगा। सही है। अच्छा, यहाँ मुझे मगज नजर आए, इसके भी रेट मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मगज किस चीज के हैं? ये भैंस के हैं, ये गाय के। ये गाय के, इसके रेट क्या है आज के? ये 350 का है आपके लिए। ठीक है, 500 का है वैसे। और ये 500 का रेट है, ये 400 का है। 400 का लगेगा। अगर कोई वीडियो लेकर आया आपके पास कि हमें चाहिए मगज, रोज होते हैं ना आप यहाँ पे, तो कितना कम करेंगे? और कितना कम करेंगे? और कम करें हमारे व्यूअर्स के लिए, 10-20 रुपए कम और कम कर लेंगे। चले जी, सही है, सही है। ये 300 की बकरे की सीरी, 150 की है। सही है, 150 की सीरी, सीरी 150 की है भाई, इनके पास देख लें। सही, बगैर मगज के। सही भाई होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह करा। सही, अच्छा पाए आपके वैसे ही बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप रेट बताएं आज के क्या चल रहे हैं? अभी तो मेरे पास फिलहाल भैंस के पाए खत्म हो गए, माल अभी आएगा थोड़ी देर में। भैंस का पाया जो स्टैंड पे चल रहा है ना, 600 रुपए का, 600 रुपए का एक चल रहा है, बड़ा वाला। जी बड़ा वाला। अभी कौन से? अभी तो मेरे पास बछिया के पाए। बछिया के क्या रेट है? बछिया का ये छोटा वाला पाया 250 रुपए का, इससे बड़ा वाला पाया 400 और 250। सही, फाइनल रेट है, कम होगा कुछ? हो जाएगा, हो जाएगा। अगर आपकी रेफरेंस कोई आना चाहेगा तो
कर देंगे आप, थोड़ी सी कमी कर देंगे। ठीक है, आप नंबर बता दें अपना ताकि आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कर ले। कांटेक्ट नंबर है मेरा 03472018185। सही है, आपको अगर कांटेक्ट करना है आप इनसे बात करके पूछ के कि इनके पास पाए हैं कि नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं। हाँ, अगर देखो जैसे कि कोई अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहता है, ऑनलाइन में मिसाल के तौर पर अगर किसी के 3 या 4 पाए होते हैं ना या ज्यादा होते हैं, तो हम ये करते हैं कि बाइके के थ्रू उसको भिजवा देते हैं। ऑनलाइन हम ऑनलाइन अगर उनको पेमेंट भेजनी होती है हमारे अकाउंट में व्हाट्सएप में। हाँ कर, सही है, ये सहूलत आप ही दे रहे हैं मेरे ख्याल में। बाइकिया से आप प्रेस पाए आएंगे और आपसे कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं। जिस चीज के जो चीज में बताऊंगा ना कस्टमर को वही चीज होगी। मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि बताई कुछ और चीज और दी कुछ और चीज, वो आदत नहीं है। जो चीज कस्टमर मुझसे मांगेगा ना, चाहे वो छोटे पाए की हो या बड़े पाए की हो, जो चीज मांगेगा वही चीज मिल जाएगी। लेकिन हमारे रेफरेंस से डिस्काउंट, जी बिल्कुल डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट देना है। चले अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ आई हूँ और मैंने कोशिश की है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेट कम करवाने की, लेकिन यहाँ आके थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि कोई इंतज़ाम नहीं है। हुकूमत को इस तरफ भी देखना चाहिए। पूरे कराची में कंस्ट्रक्शन चल रही है लेकिन यहाँ का कोई निज़ाम नहीं है। तो वैसे तो ये वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और यहाँ के रेट भी मैंने काफ़ी कम करवाए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ से गोश्त लेने में, पाए वगैरह लेने में, पाए यहाँ पे बहुत अच्छे मिलेंगे, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे आइएगा, कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नंबर वगैरह मैं इंशाल्लाह दूँगी डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में। तो आती हूँ किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।